मेरे हिसाब से जो मेरी सक्सेस की जो सबसे बड़ा आता है ना बॉस, वो कैंप और असेंबली का ही है, जय सीएलसी। मैं अपनी पूरी सक्सेस का क्रेडिट सबसे पहले बॉस को, फिर कैंप को और असेंबली को देना चाहूँगा। अगर मेरे हिसाब से जो मेरी सक्सेस की जो सबसे बड़ा आता है ना बॉस, वो कैंप और असेंबली का ही है, क्योंकि मैं बीच में थोड़ा डिस्ट्रैक्ट हुआ जब आपने कैंप तो डांट पड़ी थी मेरे को। यस सर, आपने मुझे डांटा था। इसको डांटा मेरे को। सर की डांट याद है मुझे आज भी। थोड़ा डिस्ट्रैक्ट हुआ, सर ने मेरे को लाइन पे लाया, डांट दिया, वो डांट सर बहुत काम आई। बन गई आज। हाँ, तो असेंबली में जब अपने आप बैठ के अपन अपने बारे में सोचते थे, थोड़ा खुद से बात करते थे, समझ आता था अपन को क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, क्या सही है, क्या गलत है, अपने खुद के बारे में थोड़ा बहुत एनालाइज कर लेते थे। बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। और तो मैं सबसे पहले यही कहना चाहता था, और सबसे ज़्यादा जो ज़रूरी होता है वो ये होता है कि आप जो पेपर दे रहे हैं, उन पेपर्स में जो आपकी मिस्टेक है वो आप सॉल्व करें। मैंने लास्ट के जो अपने पेपर चल रहे थे दंगलों में, बॉस ने कहा आप नया कुछ भी नहीं पढ़ सकते, जो आप सबसे अच्छा कर सकते हैं वो ये कर सकते हैं कि आपके जो पुराने पेपर हैं उनके आप क्वेश्चंस को करें जो आपके गलत हैं। मैंने लास्ट के जो 10-15 दिन थे उनमें बॉस इसके अलावा कुछ किया नहीं। और सर मैं रिपीटर से यही कहना चाहूँगा, जो जो भी मेरे भाई बहन कुछ नंबरों से रह गए, इनको सबसे पहले निराश होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैंने भी किया है। जो मेरी नज़रों में जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है ना, वो माहौल होता है, और जो माहौल आपको सीएलसी दे सकती है मेरी नज़रों में और कोई नहीं दे सकता सीएलसी जैसा माहौल। पढ़ाई क्लास में सारे टीचर्स पढ़ाते हैं, हर जगह पढ़ाते हैं, पर जो माहौल यहाँ पे मिलता है बॉस अल्टीमेट। उसके अलावा बी बिल्डिंग काफ़ी सारे हॉस्टल, सारे हॉस्टल कैंप बिल्कुल एक साथ, कभी भी रूम पे एक साथ बैठ के 5 घंटे नहीं पढ़ा, सब कैंप में 5 घंटे पढ़ता था, अच्छे से नींद लेता था, अच्छा खाना, पॉजिटिव रहना, ये सब काफ़ी कुछ ज़रूरी है इसके अंदर। और मैं एक बात, ये अपना सर बायो कैम हुआ था वो सर अल्टीमेट, उससे तगड़ा मैंने मुझे लगता नहीं है कि कुछ छूटा है उस बायो कैम में। आपने 9 पैक में वही बढ़े हैं, तीन जोड़ दिया हमने, कोई क्वेश्चन ही नहीं आया उससे बाहर। और सर मैं एक बात रामस्वरूप जी को थैंक्स बोलना चाहूंगा, बॉस का थैंक्स है ही, रामस्वरूप जी ने काफी ध्यान रखा। थैंक यू।